छह चैप्टर को हमने यहाँ पे सीख लिया, याद कर लिया, तो जिंदगी लाइफ चेंज हो जाएगी, खुद की नहीं अपने बच्चों की भी, आपकी तो होगी होगी, बच्चों की भी होगी, और मैं गारंटी दे सकता हूँ उनके बच्चों की भी होगी, क्योंकि एस्लीपेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अब दोस्तों ये चैप्टर क्या है, बड़े इजी है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन। आप लोग आज कह रहे हो सर सीखना है, क्या इंट्रोडक्शन, क्या सुशांत गुनिया सर आप मार्केट में जाके अपने रिश्तेदारों से जाके बातचीत नहीं करते? हाँ सर। अरे क्या बड़ा सिंपल सी बात है, एक इंसान दूसरे इंसान को बताता है कि सर मैं ये काम कर रहा था, इसी के साथ मैंने एक सोशल वर्क स्टार्ट किया है जो कि हेल्थ में काम स्टार्ट किया है, हम लोगों को बताते हैं क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। हाँ सर। उसी के साथ में हम लोगों को बताते हैं कि हम आज की बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। तो सुशांत सर मैं चाहता हूं कि आपका परिवार मेरा परिवार एक जैसा ही है, क्यों ना एक बार बैठ के हम डिस्कस करें। हाँ सर। अब आप बताओ ये क्या है सर, सिंपल से है कि नहीं, क्या नहीं बातचीत नहीं कर सकते आप सारे लोग, क्या नहीं कर सकते? कितने मिनट में तैयार हो जाएगा? 15 मिनट के अंदर। कितने मिनट के अंदर? 15 मिनट के अंदर। उसके बाद में हेल्थ अवेयरनेस, अरे सबको पता है भाई कोल्ड ड्रिंक में जहर है, पिज्जा में मैदा है। हाँ सर सबको पता, किसको नहीं पता? 15 मिनट आप बता सकते हो कि क्या खाना चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, हमारी दादी अम्मा भी पढ़ी लिखी नहीं होंगी, पर हमें बता देती है कि बेटा इसको मत खा, ये जहर है और इसको खा। 15 मिनट का काम है मेरे दोस्त, 15 मिनट का। इसके बाद में हमारा प्रोडक्ट प्लान, जैसा नाम वैसा काम, ठीक है, जैसा नाम वैसा काम। डायबिटीज है तो डायबोडोप, पथरी है तो स्टोनोडोप, घुटनों की प्रॉब्लम है तो ऑर्थोडोप, लेडीज की प्रॉब्लम है तो गाइनोडोप, जैसा नाम वैसा काम। कितना मिनट? 15 मिनट। इसके बाद में बिजनेस प्लान, क्या है बिजनेस प्लान? कांसर सर आप यूज करो, आपको अच्छा लगे तो आपका, नहीं तो मेरा। हाँ सर। अच्छा आपको अच्छा लगे तो आप अपने पड़ोसियों को बता देना, उससे आपको कुछ कमीशन मिलेगा, अगर वो भी हमारे साथ में इन्हीं प्रोडक्ट को यूज करता है तो उसे भी कुछ कमीशन मिलेगा। क्या है? सिंपल सा है, 15 मिनट है। प्लान क्लोजिंग, अच्छा काम बुरा काम, अच्छा लगे तो कर लेना, चाहे तो नहीं करना। 15 से 20 मिनट में आपका यहाँ से प्लान क्लोजिंग क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद में आपका ऑब्जेक्शन सोल्यूशन, क्या ऑब्जेक्शन मिलेंगे आपको? नो ऑब्जेक्शन मिलेंगे कि भाई कंपनी भाग गई तो प्रोडक्ट महंगे हैं, ठीक है, रिजल्ट नहीं आया तो, सफल नहीं हुआ तो, घर वालों से पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, कंपनी बहुत है मार्केट में, एस्लीपेस वेलनेस क्यों करूं। अरे 9-10 क्वेश्चन है, हमने तो 990 चैप्टर पढ़े हैं, एक चैप्टर के अंदर कम से कम 10 क्वेश्चन होते हैं, अब सोचो कितने क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, कितने क्वेश्चनों को हमने याद किया है जब जाके हमने 10th या 12th किया है। फिर दोस्तों यहाँ पे तो आपको 9 क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर 9 क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिया तो आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी मेरे दोस्त, लाइफ चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? लाइफ चेंज हो जाएगी, समझना। अरे कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? अगर इंसान दिल से करना चाहे तो आप 2.25 घंटे के अंदर इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकते हो और जिंदगी भर अपना मन चाहा पैसा कमा सकते हो, मन चाहा अपने खुद का मालिक बन सकते हो, बच्चों के साथ में घूम सकते हो, इंजॉय कर सकते हो और इस दुख भरी जिंदगी से हरदम के लिए बाहर आ सकते हो। तो दोस्तों मात्र 2.5 घंटे का है, कितने घंटे का? 2.5 घंटे का। अब आप बताओ, और यही चीज करके, ये मात्र यही 6 चैप्टर पढ़ पढ़ के आज लोगों ने अपनी लाइफ चेंज कर ली, आज लोग कहां से कहां पहुंच गए दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होगा, आज लोग यही काम करके ये, अब इसमें कोई एजुकेशन की जरूरत भी नहीं है, है क्या, है कोई? तो दोस्तों ये 6 चैप्टर है आपके, मात्र 2 घंटे की ट्रेनिंग आपकी है, मात्र 2 घंटे की ट्रेनिंग आपकी है, आज लोग यहाँ पे सफल हो गए हैं और आप
ये 6 चैप्टर पढ़ पढ़ के दोस्तों आज जिंदगी में अपनी लाइफ चेंज होगी। चाहे कुलदीप मुदगिल सर को देख लो, चाहे मेरे को देख लो, चाहे महिपाल सर को देख लो, चाहे संजीव सर को देख लो, चाहे कुणाल जाधव सर को देख लो, अरे जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, उन्होंने बस यही चीज की है, उन्होंने बस यही चैप्टरों को तैयार किया है। हर इंसान SLPS वेलनेस के अंदर जो सफल हुआ है उसने यही किया है। तो आप बताओ ये 6 चैप्टर पढ़ना आसान है कि पूरी जिंदगी की पढ़ाई करना आसान है? अब हमें कौन सा काम करना चाहिए, आसान की मुश्किल? अब ये बताओ ये डायरेक्ट सेलिंग आसान है कि मुश्किल है? हाँ सर, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग करना आसान है कि मुश्किल है? आज के बाद में अगर कोई आपको ये बताए ये काम मुश्किल है, समझा सकते हो? समझा सकते हो? आज के बाद में बोले भाई ये काम मैं नहीं कर सकता, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो आप बता सकते हो? ठीक है, बता सकते हो ना? तो दोस्त ये दुनिया का सबसे आसान काम है, मैं आपको बता देता हूं, बट इसकी नॉलेज ना होने की वजह से ये हमें मुश्किल लगता है। दोस्तों अगर ये काम आसान है और आप रियल में अपने आप से प्यार करते हो और अपने बच्चों से प्यार करते हो, तो दोस्त मैं आज वादा दिलवाता हूं आपको कि इसी काम को मात्र 2 घंटे में सीखने का है, पर मैं आपको सेंटेंस सिखाऊंगा और ये 6 चैप्टर लाइफ चेंज की है तो आपकी भी कर सकती है और बहुत से लोगों की भी है। आपके जितने भी सीनियर अपलाइन है उनकी लाइफ भी इन्हीं 6 चैप्टरों ने चेंज की है। अब मुद्दा आपके पास में है, प्राइस आपके पास, ठीक है, प्राइस किसकी है? आपकी है दोस्तों, प्राइस इज योर। अब आपकी चॉइस है, किसकी चॉइस है? आपकी चॉइस है। तैयार हो? पर इसके लिए आपको जो 2 घंटे की ट्रेनिंग है मैं 1 महीने दे रहा हूं, पर मैंने क्या बताया, रोज रात को आना पड़ेगा, हो सकता बोर भी लगे पर सुनना पड़ेगा, करना पड़ेगा। देखो बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने जो पेमेंट दिए वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आपके हाथों में कंट्रोल है। दो मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपके हाथ में कंट्रोल है, आप चाहो तो कहीं भी एंड कर दोगे और अपना सिंपल सा घर में रह सकते हो। यहाँ पे ना आप मेरे पास में हो, मैं किसी से जबरदस्ती काम करा नहीं सकता, कोई किसी को जबरदस्ती काम नहीं करा सकता, कोई किसी को जबरदस्ती सफल नहीं कर सकता। जो जिंदगी में रियल में अपने आप से और अपने बच्चों से प्यार करता है ना, वही इस काम को करता है। मैं आपको बता देता हूँ, वही इंसान यहाँ पे रुकेगा। तो दोस्त अगर मेरे पास में भी समय नहीं है, मैं रियली बता दूं मेरे पास में भी टाइम नहीं है, आज मैं बड़ा मुश्किल से समय निकाल रहा हूँ आपके लिए 2 घंटे, नहीं तो अभी भी फोन आते हैं, मीटिंग्स रहती हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स लेनी होती है, आपके अलग अलग शहरों में मेरे को जाना होता है। आज भी अगर मैं आया हूँ तो देख लेना 3 दिन के अंदर अपने घर में आया हूँ, फिर कल कहीं निकल जाऊंगा, पूरे दिन बाहर रहूंगा, फिर रात को आपके साथ बैठूंगा, फिर सुबह मेरे को 7 बजे मीटिंग करनी है, फिर मेरे को दिन में काम करना है, फिर रात को आपके साथ बैठूंगा। शौक नहीं है मेरे को, मैं रियली बताता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे साथ में आए उनको मैं अपना जैसा बना दूं, उनको मैं अपना जैसा बना दूं कि मैं सफल हुआ हूं, तो मेरा फर्ज है कि मैं अपने जैसे लोगों को सफल करूं। तो जिंदगी में आपका है दोस्तों, आज सबसे पहला चैप्टर मैंने क्लियर किया है कि ये काम आसान है कि मुश्किल है, ठीक है। तो काम कैसा है? आसान है। आज के बाद में कोई आपको ये कहे अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है लोगों को बताना, तो आप उनको बताना कि काम बड़ा आसान है, बस नॉलेज नहीं थी हमें इसलिए हमें मुश्किल लग रहा था। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पे उनको बताना है। तो आज आपका पहला चैप्टर ये था कि काम आसान है, बट हमें लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, जैसे कि आपने उस वीडियो के अंदर देखा था कि कोई इंसान मुश्किल से मुश्किल काम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, जिंदगी में सफल क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि काम को आसानी से कैसे किया जाता है, जिंदगी में सफल कैसे हुआ जाता है। हमने रातों काली की है, बड़ी बुके पड़ी है, पता नहीं क्या क्या किया है सफल होने के लिए हमने, पर हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि हमें सफलता का रास्ता ही नहीं पता है। तो दोस्तों आज आप सभी को एक सफलता का रास्ता मिल चुका है,
तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, क्योंकि आज आप सब लोग सफलता के रास्ते पे चल चुके हैं, ठीक है। जोरदार तालियां सब लोग, ठीक है, अपने लिए, ठीक है। जिंदगी में याद रखना कि यही रास्ता है जो अपने को सफल करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 6 चैप्टर्स हैं, इसमें एक चैप्टर और ऐड कर दूंगा मैं, इनविटेशन, ठीक है। तो कल हमारा जो पहला चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा हमारा इनविटेशन का। किसका होगा? इनविटेशन का। तो हर इंसान को यहाँ पे आना है, मिलना है, ठीक है, समझना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आज के बाद में जब तक आप सफल नहीं होंगे, जब तक आप सफल नहीं होंगे, ये योगेश यादव आपको कमिटमेंट करता है कि मैं दिन रात आपके साथ में लगा रहूंगा। बस आप एक कदम चलना, मैं 4 कदम चलूंगा। मैंने, मेरे को सफल करने के लिए किसी एक इंसान का हाथ है तो मैं रियली बता सकता हूँ, कोई इंसान अगर मेरे को सफल कर सकता है ना, तो मैं आपको सफल कर सकता हूँ। मैं सफल नहीं करूंगा, सिस्टम सफल करता है। इस सिस्टम का पार्ट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जिंदगी में एक चीज याद रखना बस। तो तैयार हो मेरा साथ देने के लिए? तैयार हो? पक्का? ऐसा तो नहीं कि अभी हाँ कर रहे हो बाद में ना कर दोगे, 2 दिन के बाद बोरिंग सेशन आ जाएगा, आपको बोर लगने लग जाएगा कि यार सर पूछते भी हैं। तो दोस्त माँ बाप कभी कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, वो डांटते भी है ना, तो इसलिए डांटते हैं कि जिंदगी में हम सफल हो जाए, हम इसीलिए डांटा है, ठीक है। अगर किसी गलती से अगर डांट भी लग जाए ना, तो फील ये मत करना सर कि ये सर ने मेरे को डांट दिया। कि दोस्त आप यहाँ पे अपने खुद के लिए नहीं आए हो, आपके पीछे बहुत लोगों के सपने हैं यार, आपके बच्चों के सपने हैं, अपने माँ बाप के सपने हैं, आपकी बीबी के सपने हैं, बहुत लोगों के सपने आपके साथ में जुड़े हैं, उनके सपने हैं। जब आपने उनको फोल्डर देखा होगा, उन्होंने बोला रहे यार हमारे पास में भी गाड़ी आएगी क्या, हम भी कभी विदेश जाएंगे क्या, अरे हमको भी ऐसे लोगों के बीच में मान सम्मान मिलेगा क्या, अरे आपके खुद के सपने लेके नहीं चले हो आप, बहुतों के सपने आप लेके चले हो मेरे दोस्त। आपकी हार नहीं होगी, आपके बच्चों की हार होगी, ठीक है, माँ बाप की हार होगी। तो दोस्त समझना, बड़े ध्यान से इस चीज को, बड़े ध्यान से समझना कि यहाँ पे हारना नहीं, हारना नहीं है। जहां आपको प्रॉब्लम लगे ना दोस्त, वहां पे मेरे को याद कर ले, पर जब तक सफल ना हो जाओ छोड़ना नहीं, ठीक है। क्यों कहते हैं ना कि गरीब परिवार में हमारा जन्म हुआ, ये हमारी हाथ में नहीं था, पर अगर हम गरीब ही रह गए और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी गरीबी दे गए, दोस्त उसके जिम्मेवार हम थे। और आपको एक रास्ता मिल चुका है, क्योंकि आज एसटीपीएस वेलनेस के अंदर मात्र 7 साल के अंदर ना, 8वीं साल तो रनिंग है, 200 से ज्यादा लोग तो यहाँ पे करोड़पति बन चुके हैं, ठीक है, समझना चीजों को। तो आप भी बनोगे, ये बस ये कि वो मत, ये यानी अगर तो कर लिया ना तो जिंदगी खराब हो जाए, तो मत कर लेना। क्या मैं भी सफल होऊंगा? नहीं। क्या मेरे को पैसे आएंगे? क्या? और तो मत कर लेना, बस जिंदगी में विश्वास रखना कि ये लोग सफल हुए मैं भी हूं, ठीक है। अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आज आपको बड़ा अच्छा लग रहा हूं ना, मैं आज आपको बड़ा अच्छा लग रहा हूं, पर रियली बताऊं मेरी लाइफ ऐसी नहीं थी। मैं तो बड़ा सिंपल सा इंसान था, मैं आपको बता देता हूं क्या था, बड़ा सिंपल सा इंसान। मैं सोचा भी नहीं था मैं डायरेक्ट सेलिंग में आऊंगा, मैं रियली बता देता हूँ, कभी नहीं सोचा मैंने कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में आऊंगा, कभी भी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा, मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी नहीं सोचा मैंने कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में आऊंगा। और मैंने, पर कहते ना कि मेहनत कर रहा था, बस मेहनत का मेरे को ये रिजल्ट मिला है। मेरी लाइफ कैसी थी आज बता देता हूँ आपको। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यार सर तो पहले से ऐसे थे, सर तो पहले से सेल्स में, कोई यहाँ पे हाउस वाइफ होगी, कोई जॉब वाला बंदा होगा। अरे सर मैं भी आप ही की तरह था, आप लोगों के बीच में था मैं, जैसे समाज में कोई नहीं जानता था, कोई वैल्यूशन नहीं था, कोई सुनने को तैयार नहीं था, इवन दो घर वाले भी सुनने को तैयार नहीं थे। जो आज आप सुन रहे हो ना अर इंडिया से, बस एक जिंदगी में चेंज हुई। मेरी क्या जिंदगी है देखना, बड़े ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे समझ में आएगी।